Hello friends, welcome to our channel Vivek Pandey Academy. In this video we are going to discuss about Wilson College Mumbai. Wilson College के बारे में आज हम सारी डिटेल बताने वाले हैं. कोर्सेज, फीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कट ऑफ, हॉस्टल है कि नहीं, प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, सब कुछ बताने वाले हैं. तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडमिशन प्रोसेस किससे. तो एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको जाना है मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर. वहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है. 6 स्टेप में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा आपका. ऑनलाइन फॉर्म भरना है. फिर आपको कॉलेजेस चूज़ करने के ऑप्शन आएंगे. तो आपको विल्सन कॉलेज भी सिलेक्ट करना है. और अगर आप चाहें तो और भी कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं. आप जितने चाहें उतने कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं. फिर जो भी कॉलेजेस आपने सिलेक्ट किए उन कॉलेजेस के इंडिविजुअल वेबसाइट पर जाकर भी आपको रजिस्ट्रेशन करके 100 रुपीज़ का फॉर्म होता है ऑनलाइन, उसे फिल करना है. वो फॉर्म फिल करने के बाद आपको मेरिट लिस्ट के लिए वेट करना है. उस कॉलेज का मेरिट लिस्ट उस कॉलेज के वेबसाइट पर आएगा. उस मेरिट लिस्ट में आपको चेक करना है कि आपका नेम आया है कि नहीं. अगर आपका नेम आया है मेरिट लिस्ट में तब आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं फ़ीस भरकर. और अगर आपका नाम नहीं आया है तो आप सेकेंड लिस्ट के लिए रुक सकते हैं या फिर किसी और कॉलेज के लिस्ट में देखिए. अगर आपका नाम आया तो आप उस कॉलेज में ले सकते हैं या फिर सेकेंड थर्ड लिस्ट के लिए वेट कर सकते हैं. और अगर आपका नाम किसी भी लिस्ट में किसी भी कॉलेज में आया है तो अगर आप चाहें तो आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं. आपको एडमिशन मिल जाएगा. अब हम बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है यहाँ पर. तो यहाँ पर BA अवेलेबल है, BSc अवेलेबल है, BMS अवेलेबल है, BMM अवेलेबल है. BSc में यहाँ पर बहुत सारे ब्रांचेस अवेलेबल है. BA में भी BCOM अवेलेबल है, MSc अवेलेबल है. तो ये सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है. BSc, BA, BCOM में यहाँ पर बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस भी अवेलेबल है. BSc में IT, बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हैं. और BMM की फ़ीस 17,000 है, BMS की 17,565, BCOM की 4,170. ये हर साल फ़ीस थोड़ी बहुत वेरी करती रहती है. BA की 4,095, MSc की 10,985. ये जनरल MSc की या BSc की कोर्सेज है कि फ़ीस है. अगर आप कोई स्पेशलाइजेशन करेंगे जैसे ITCS तो उनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है. अब हम बात करेंगे इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कट ऑफ. आपको कितना परसेंटेज चाहिए 12th स्टैंडर्ड में कि आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं. तो अगर आप जनरल कैटेगरी से अगर आप BA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 98% चाहिए. अगर आप BSc में एडमिशन लेना चाहते हैं 98.67% चाहिए. अगर आप SC से हैं तो 96.33%. अगर ST से हैं तो 88.6%. तो ऐसे ही सारे कास्ट की फ़ीस अपना कट ऑफ यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं. अब हम बात करेंगे BCOM के बारे में. अगर आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी से हैं तो 92.70, ओपन कैटेगरी से हैं तो 97.33, रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 95.33%. वैसे ही BSc IT, BMS, BAMMC सारे कोर्सेज़ के कट ऑफ स्क्रीन पर दिख रहा है, आप वहाँ से देख सकते हैं. और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. और अब हम बात करेंगे हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में. तो कॉलेज के कैंपस के अंदर हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है. तो अगर आप मुंबई से बाहर के स्टूडेंट्स हैं तो आप हॉस्टल फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं फ़ीस भर के. उसकी एक्स्ट्रा फ़ीस भरनी पड़ती है. आप हॉस्टल फैसिलिटी ले सकते हैं और या फिर चाहे तो आप कॉलेज के आसपास रूम फ्लैट वगैरह लेकर रह सकते हैं रेंट पर. और अगर अब हम बात करेंगे प्लेसमेंट के बारे में, तो प्लेसमेंट कॉलेज में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है. 60 के बैच में 15-20 स्टूडेंट्स को मुश्किल से प्लेसमेंट मिल पाता है. और वो भी 15-20,000 तक की जॉब्स मिलती है. उससे ज़्यादा जॉब्स आपको यहाँ पर नहीं मिलते. तो प्लेसमेंट बहुत अच्छा यहाँ पर नहीं है, अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिलता यहाँ पर. प्लेसमेंट के बारे में कॉलेज को और थोड़ा ट्राई करना चाहिए. और भी कंपनीज़ को बुलाने की कोशिश करना चाहिए कैंपस में. और भी कंपनी को रिक्रूटमेंट के लिए बुलाना चाहिए. तो यहाँ पर प्लेसमेंट एक कॉन्स है यहाँ पर कि प्लेसमेंट यहाँ पर अच्छे आपको नहीं मिल सकते. आपको जॉब इंटर्नशिप आपकी खुद को आपको देखना पड़ेगा. आपको जॉब के लिए खुद से ट्राई करना पड़ेगा. तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा. और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ. तो आपको आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की आपको मैसेज चला जाएगा. आप वहाँ से आ सकते हैं वीडियो में. और अगर आपको
कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई और कॉलेज के ऊपर वीडियो चाहिए या फिर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए एजुकेशनल कोर्सेज से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे इसी तरह के किसी और वीडियो में।